हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल, मेरा नाम है अकबेक। 67,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रामल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 1920 में हुई थी, जब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अजय प्रामल के दादा सेठ प्रामल चतुर्भुज मखारिया 50 रुपये लेकर राजस्थान के बागड़ से बॉम्बे आए थे। तो आइए जानते हैं कि 98 साल पहले 50 रुपये से शुरू हुई प्रामल एम्पायर कैसे 67,000 करोड़ का हो गया और कॉटन, सिल्क, सिल्वर जैसी कमोडिटी को लेकर तरल स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। ₹1935 में मखारिया ने उस समय के बिजनेसमैन गोकुलदास से उनकी कॉटन मिल खरीदी। उस समय ये मिल देश की सबसे पुरानी और पहली रजिस्टर्ड कॉटन मिल थी। 1958 में सेठ मखारिया की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बिजनेस की जिम्मेदारी अजय प्रामल के पिता गोपी कृष्ण के कंधे पर आ जाती है। 1962 में गोपी कृष्ण 1 करोड़ की मॉडल स्पिनिंग यूनिट लगाते हैं। दूसरी कॉटन मिल का अधिग्रहण होता है। 1970 के दशक में कंपनी के फाउंडर और दादा के सम्मान में बेटे ने अपना सरनेम मखारिया से बदलकर प्रामल कर लिया। इस दौरान अजय के पिता गोपी कृष्ण मखारिया से गोपी कृष्ण प्रामल हो गए। अब यही वो समय था जब पिता के बिजनेस में अजय प्रामल ने मदद करना शुरू किया। 70 के दशक में बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए गोपी कृष्ण ने पहली VIP इंडस्ट्री और फिर मिरिंडा टूल्स कंपनी का अधिग्रहण किया। अजय प्रामल ने 1977 में 22 साल की उम्र में जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट से MBA किया, फिर अपने पिता की टेक्सटाइल बिजनेस को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया। 1979 में अजय के पिता गोपी कृष्ण की न्यूयॉर्क में मृत्यु हो जाती है, और जब कुछ समय बाद बड़े भाई दिलीप ने फैमिली बिजनेस का बंटवारा कर लिया। 19वीं सदी में बंटवारे के बाद अजय के खाते में टेक्सटाइल बिजनेस और मिरिंडा जूस कंपनी ही रह गई। बंटवारे के 16 दिन बाद ही मुंबई की सभी टेक्सटाइल कंपनी जबरदस्ती बंद करवा दी गई। ऐसा उस समय कई साल तक चली दत्ता सामंत स्ट्राइक के चलते हुआ था। 1982 में अजय के छोटे भाई की कैंसर से मौत हो गई। इस समय तक अजय के बिजनेस की हालत खराब हो चुकी थी, परिवार में वह अकेले पड़ चुके थे। इन सबके बाद भी 27 साल के अजय ने हिम्मत नहीं हारी। 1984 में गुजरात ग्लास लिमिटेड कंपनी खरीदी। 29 की उम्र में अजय इसके चेयरमैन बने। कंपनी फर्मा प्रोडक्ट के लिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती थी। 1984 तक अजय ने इंडिया में फर्मा सेक्टर का बूम आने का अनुमान लगा लिया था। इसी के चलते उन्होंने टेक्सटाइल से निकलकर फर्मा बिजनेस में एंटर होने का फैसला लिया। 1988 में ऑस्ट्रेलियन निकोलस लैबोरेटरी कंपनी खरीदी। 1991 में मध्य प्रदेश के पीथमपुरम में कंपनी ने प्लांट डाला। 1993 में अमेरिकी कंपनी LL Gun के साथ बिजनेस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया। इस समय तक अजय कंपनी के मेजर और जॉइंट वेंचर के एक्सपर्ट से हो गए थे। 1994 में डेंटल केयर प्रोडक्ट्स के लिए फ्रांस की कंपनी से एग्रीमेंट साइन किया। 1950 में हैदराबाद की सुमित्रा फर्मा कंपनी को निकोलस परिमल इंडिया में मिला लिया। 1996 में जर्मन कंपनी बॉलिंगर मैकहाइन की इंडियन यूनिट को खरीदा। सन 2000 में फ्रेंच कंपनी रॉन पॉलीवुड की इंडियन यूनिट को 236 करोड़ में खरीदा। यह उस समय तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद तो जैसे अजय ने कंपनियों के अधिग्रहण का सिलसिला ही शुरू कर दिया था। इस समय तक आते आते उन्हें मर्जर किंग भी कहा जाने लगा।
2001 में पिरामल लाइफ साइंस लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। 2002 में ICI फार्मा खरीदी और 2003 में सारा भाई पिरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग का अधिग्रहण किया। 2005 में 84 करोड़ में अमेरिकी फर्म ग्लास ग्रुप का एक हिस्सा खरीदा। 2006 में UK की विजर्स मार्केट में अधिग्रहण किया। अब होती है बेटे आनंद की एंट्री। 2005 में बेटे आनंद ने पिरामल लाइफ साइंस लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया। इससे पहले आनंद अपने स्टार्टअप पिरामल स्वास्थ्य को देख रहे थे। 2006 में S&P ने पिरामल हेल्थ केयर को ग्लोबल लीडर के तौर पर लिस्टेड किया। 2008 में पिरामल इंडिया कंपनी का नाम बदलकर पिरामल हेल्थ केयर लिमिटेड हुआ। 2009 में 88 करोड़ रुपए में US फर्म मैनार्ड इंटरनेशनल INC के बिजनेस का अधिग्रहण किया। 2009 आते आते पिरामल ग्रुप $1 बिलियन का रेवेन्यू वाला हो गया था। इस समय तक कंपनी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी थी। 2010 में अमेरिकी कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज ने पिरामल हेल्थ केयर कंपनी के फार्मा सॉल्यूशन बिजनेस को 17,500 करोड़ रुपये में खरीदा। यह तब की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की दूसरी सबसे महंगी डील थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डील में अजय को उस समय की वैल्यूएशन के तुलना में 9 गुना ज़्यादा दाम मिला था। उन्होंने इस बिजनेस को 22 साल पहले 16.5 करोड़ रुपए में शुरू किया था और 2010 में इसी साल कंपनी ने रियल इस्टेट बिजनेस में भी एंट्री किया। बेटे आनंद ने अपनी पिरामल रियल्टी कंपनी खोली। 2011 में वोडाफोन में 11% हिस्सेदारी। 2012 में पिरामल हेल्थ केयर का नाम बदलकर पिरामल इंटरप्राइजेस किया गया। 2014 में श्रीराम कैपिटल में 2014 करोड़ में 20% हिस्सेदारी खरीदी। साथ ही श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड में भी 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। 2017 में आनंद पिरामल ने पिरामल इंटरप्राइजेस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पिरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 2018 के समय में कंपनी 100 देशों के कारोबार कर रही है। इसमें कंपनी का फार्मा फेशियल सर्विसिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ग्लास पैकेजिंग और रियल इस्टेट का बिजनेस भी शामिल है। कुल मिलाकर 98 साल पहले 50 रुपये में शुरू हुआ पिरामल एम्पायर अब करीब 67,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी पिरामल परिवार की बहू बनी हैं, जो कि आनंद पिरामल की वाइफ हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करें और अगर आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।